मैं धनेश्वर महतो। माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो यूं कहूं कि कल जो वो मन की बात सुनाने आए थे 68 बार, मुझे खुशी इस बात का है कि हमारे देश के नौजवान कम से कम अब ये समझने लगे हैं कि मोदी जी देश की जनता को भटकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कल जो बीजेपी का अकाउंट है फेसबुक के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर 10,000 मोदी जी को लाइक मिली और 1,34,000 अनलाइक मिला। जो बीजेपी भक्त हैं, जो बीजेपी के तारीफ करते थे, उन व्यक्तियों ने मोदी सरकार को कल जोर का तमाचा मारा है। उससे भी बड़ी बात क्या है कि आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 20 लाख गमन का मैंने आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर। कोई गलत नहीं लगाया है क्योंकि 20 लाख रुपया, ये 20 लाख करोड़ रुपया गमन हुआ है क्योंकि मोदी जी स्वयं आके सभी न्यूज चैनलों पे लंबी लंबी फेंक के कहे थे कि इस कोरोना वायरस की महामारी में आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हमने 20 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। कहीं कोई 1 रुपया मुझे बताएगा, पूरे भारत में कह रहा हूं, जिसको मोदी ने दिया हो, पूरे भारत की जनता से मेरा यह सवाल है कि कोई एक व्यक्ति बताएगा कि उस 20 लाख करोड़ के हिस्से में उसका 1 रुपया हिस्सा हुआ है? पता है, मैंने इसको बड़े ध्यान से जोड़ा, प्रत्येक नागरिक के खाते में पूरे भारत में ये 20 लाख करोड़ रुपया इतना बड़ा फंड है कि आपको 15,000 रुपये प्रत्येक नागरिक के खाते में आ सकता था। जो आज बच्चा पैदा हुआ, जैसे 130 करोड़ की हम पॉपुलेशन की बात करते हैं भारत में, तो जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं जोड़ लें, 15,000 रुपये आपको उनके पर खाते में आना है, पर व्यक्ति। यानी कि यदि एक व्यक्ति का परिवार 5 आदमी का सदस्य है तो समझ रहे हैं 75,000 रुपए उसके परिवार में आना चाहिए इस कोरोना वायरस के महामारी में, जो 20 लाख करोड़ रुपया का फंड का घोषणा किया। उससे भी ज्यादा आप चौंक जाएंगे जो ये मोदी सरकार कहती है कि हमने 150 देशों को मदद पहुंचाने का काम किया है। आपको जानकारी मैं दे दूं, 76 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अभी वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया है। यानी कि देश के एक एक नागरिक को पहले के जो कर्ज थे और अब के मिला के प्रत्येक नागरिक के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा मोदी सरकार ने गिराया है। यानी आपको गिरवी रख दिया विदेशियों के हाथों इस 6 साल के अंदर। अंधभक्त को समझ में नहीं आएगा क्योंकि भक्ति तो करनी है उनको, क्योंकि पैसा तो तभी मोदी जी देंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे गाली देंगे तो उनको पैसा मिलेगा, 50 पैसा, 10 पैसा एक गाली के हिसाब से मिलता होगा, 50 रुपये या जो भी हो, क्योंकि बाल बच्चे उनको भी पालने हैं, क्या करेगा बेचारा, बेरोजगारी है। मुझे भी ये आईटी सेल वालों से कोई शिकायत नहीं है, भाई आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आप गाली दे सकते हैं, बेशक गाली दे सकते हैं क्योंकि उससे आमदनी आपकी बढ़ती है। लेकिन ये देश की जनता को समझना पड़ेगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आखिर इस देश को कहां लेके खड़ा कर दिया है। ये जवाब मैं समझता हूं अब देश का एक एक युवा जानना चाहता है, एक एक बच्चा जानना चाहता है, एक एक बुजुर्ग जानना चाहता है, एक एक माता बहने जानना चाहती हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी इस देश को लाके कहां खड़ा कर दिया है। पूरे देश के नौजवान, नेट की पढ़ाई, जेई की पढ़ाई के लिए पूरे रोड पे निकले हुए हैं। वो ये सोच रहे थे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कुछ 2 शब्द हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे। जब कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है
तो एक साल के लिए पढ़ाई क्यों नहीं टाली जा सकती है, या सरकार उसकी बेहतर एक व्यवस्था करके दिखाए। सुप्रीम कोर्ट से पास करवा लिया, सुप्रीम कोर्ट तो दलाल है अभी नरेंद्र मोदी जी का, जो कहेगा वो मानेगा। दलाल कह रहा हूं अभी मैं, सुप्रीम कोर्ट को दलाल कह रहा हूं। गगोई वो कौन सा चार दिन बाद राज्यसभा के सदस्य बन गए, जो सोच लो। प्रथम सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं जिसे, जिसे इस छह साल से पहले कभी कोई माइकल लाल ने उंगली उठाने का काम नहीं किया, लेकिन आज एक एक नागरिक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठा रहा है। तो सोचे ये संस्थाएं कहां जा रही हैं और कहां गिर के मोदी के चरणों में जाके सुप्रीम कोर्ट बैठ गई है। मोदी के चरणों में जाके सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई ये जाके बैठ गए हैं आरबीआई, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। लालच एक ऐसी चीज है कि इस लालच के आगे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गरिमा को गिरा लिया और राज्यसभा के चार दिन बाद जाके सदस्य बन गया। फैसला राम मंदिर पे दिया था तो तोहफा तो मोदी सरकार को देना ही था। और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जो सुन के आप हिल जाएंगे। मैं जानता हूं मैं क्या बोलता हूं, बली भली भांति जानता हूं। और ये साहस नहीं है सुप्रीम कोर्ट कि मेरी बातों पे ये कह दे कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आजकल जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं सरकार की गुलाम बन जाएं, तो समझ लेना देश का हाल कितनी बुरी दौर से गुजरने वाला है। उससे भी बड़ी आपको प्रमाण चाहिए ना, दिल्ली का याद है ना दंगा, रातों रात ईमानदार जज का ट्रांसफर हो गया क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला, गलती थी। और अभी फिर से दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि मोदी जी एक फेकू प्रधानमंत्री हैं, ऐसे शब्द ना बोले जो वो पूरा ही ना कर पाए। जो शर्म से चिल्लू भर पानी है मोदी के पास, कहीं चिल्लू भर पानी उसमें जाके आप डूब मरो, क्योंकि आपको कोर्ट तक फटकार लगा रही है जो एक निचली अदालत का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से नीचे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जंगल राज कहा, शर्म से डूब मरो योगी आदित्यनाथ। एक गुंडे का रोल अदा कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, एक जो रोड छाप गुंडा है ना, वही है आपकी औकात, रोड छाप गुंडे की, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि कलेजा कितना है योगी आदित्यनाथ के पास मैं भली भांति जानता हूं। ये वही योगी आदित्यनाथ है जो 2007 में लोकसभा में खड़ा होके एक बच्चे की तरह रो रहा था। कितना कलेजे वाला योगी आदित्यनाथ, जब अपने पे पड़ती है तो फटने लगती है, तो ये लोकसभा में जाके पहला एक कोई सांसद होगा जो बच्चे की तरह रो रहा होगा सांसद में जाके, वो है योगी आदित्यनाथ का कलेजा। बिहार में ये क्या कहते हैं, दरभंगा में आए थे भाषण देने के लिए, वहां पे क्या लगाया था अपने आगे सुरक्षा के लिए, वो शीशे का जो होता है ध्यान से उतर रहा है कि कोई मुझे गोली ना मार दे। अरे चूहे से भी बड़ा छोटा दिल है योगी आदित्यनाथ का। इसको लोग पता नहीं कौन सा गुंडे की पदवी अभी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में कि योगी आदित्यनाथ है तो सबकी फाड़ देगा, धनेश्वर महतो की फाड़ देगा। आऊंगा चिंता मत करो, आ रहा हूं मैं 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए, देख लेते हैं भाई क्या फाड़ोगे। नेता बनना हो बेहतर छवि लाओ, संत बनना हो तो आपका राजनीतिक में कोई काम नहीं है। ये भगवा वस्त्र पहन के हिंदू समाज को कलंकित करने का काम ना करो, क्योंकि संत महात्मा का काम राजनीतिक नहीं है। संत महात्मा का काम है मंदिर तपस्या करना। ये ढोंग धनेश्वर महतो को ना कोई समझाए, ये योगी आदित्यनाथ और पता नहीं यूपी में कितने सारे ये। और हाँ याद आ गया मुझे,
श्रीमान नरेंद्र मोदी ने अभी लंबी लंबी आसाराम बापू की तरह दाढ़ी बढ़ाई है, तो ये दाढ़ी बढ़ाने से क्या आप देशभक्त साबित हो जाएंगे? आसाराम के चेले ही कहलाएंगे? आसाराम आपका गुरु श्री औरतों की रेप करता था ना, उसी केस में अंदर है ना, तो चेला तो आप उसी के हो। तभी तो आपको कपिल शर्मा ने डायरेक्ट टाइम टू टाइम कौन सी औरत आपके पास गई, कौन सी सप्लाई हो रही है, जिसको अभी आप अपना दामाद बना के रख रहे हो मिश्रा को, कपिल मिश्रा आप पार्टी का विधायक था, आज है भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाके बैठा हुआ। आश्चर्य की बात है कि कोई व्यक्ति, आप खुद मेरी बातों को सोचिए कि कोई व्यक्ति यदि मेरे चरित्र का एक विधानसभा में चीरहरण करे और उस व्यक्ति को मैं दामाद बना के रखूं, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैं उसको अपना दामाद बना के अपनी पार्टी में लाके वाइट प्लस की सुरक्षा दे रहा हूं, तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहीं तो दाल में काला है। यह चीज तो जवाब देना चाहिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कि आखिर कपिल मिश्रा ने इतना बड़ा आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुख से एक लफ्ज नहीं निकला, तो इसका मतलब सच है, सच है। लंबी दाढ़ी बना लिया, पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं कि भाई मैं पता नहीं क्या, मेरे पास फुर्सत नहीं है दाढ़ी बढ़ाने के लिए भी, लेकिन मोर के साथ खेलने के लिए पूरी फुर्सत है, मीडिया में आने के लिए पूरी फुर्सत है, फोटो खिंचवाने के लिए पूरी फुर्सत है, अपनी मां के पास जाता है। भाई दुनिया का एक एकलौता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है कि अपने मां के पैर भी जाके छूता है तो उसकी फोटो खिंचवाता है मीडिया में आने के लिए। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, सब बेच के खाए हुए हो भाई। कितना गिरोगे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कितना गिरोगे? गिरने की सारी सीमाएं पार कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे यह लगती है कि हमारे देश के नौजवान युवा वर्ग जाग गया है। अब आपको भागने का नहीं मिलेगा जगह, क्योंकि युवाओं को यह लग गया कि उनका भविष्य अंधकार में चला गया है। जितने सपने श्रीमान नरेंद्र मोदी ने दिखाए थे देश की जनता को, वो चीज उन युवाओं को ये लगने लगा कि मेरा भविष्य अंधकार में चला गया है, इसीलिए इस सरकार को अब उखाड़ के फेंकना है। बिहार का चुनाव है, रिजल्ट जितनी दिल्ली में लगाए थे ना 240 सांसद और केंद्र के सारे मंत्री, 5 मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं वो अमित शाह जी, गृह मंत्री पर्चा बांट रहे थे। अब आ जाओ रोड पे, बिहार में खुली चुनौती है, खुली चुनौती है, कितना पैसा का दम है। आपको एक चीज याद दिला दूं, जगन्नाथ मिश्रा की कहानी, मधुबनी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन जनता ने जब मन बना लिया कि जगन्नाथ मिश्रा को रोड पे उठा के फेंकना है, तो खूब पैसा लिया जगन्नाथ मिश्रा से, लेकिन वोट नहीं दिया। तो इसी तरह से आप समझ लो, पैसा मोदी जी आपका जनता खूब चूसेगी, क्योंकि वह जनता का पैसा है, लेने में कोई बुराई नहीं है, आपके बाप का पैसा नहीं है। जनता से लूट के जनता के ऊपर इलेक्शन में खर्च करते हो, उसके बाद विधायक खरीदने में खर्च करते हो, तो जनता भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी से खूब पैसा लेने वाली है इस बार, लेकिन क्या दिखाएगी ठेंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।